बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। आज मेरी भाई मुसर जी दो गलां सिर्फ पीरा दे बारे ते उलमा इकराम दे बारे। मैं हमेशा जेरी गल भी करदा पीरा दे बारे गल करदा या उलमा इकराम दे बारे गल करदा। उसकी वजह क्या है कि मैं असर अली ख्वाजा बाश शरीफ का एक जिम्मेदार फर्द हाँ। मेरा हक बन दे मेरा फर्ज है मेरी जिम्मेदारी है कि पीरा दे बारे गल करनी या उलमा इकराम दे बारे गल करनी। तो सारे मोहतरम आज की एक रूटीन है आज एक नवा जनाब ट्रेंड निकल पे कि जनाब अगर एक कोई रैली निकल वजे या नबी पाक की शान अंदर गुस्ताखी की वजे या अल्लाह की पाक कलाम अंदर बेहरमती की वजे तो कोई पीर या मौली बाहर ना निकले ना उन्होंने मुरीद खेने एक ट्रेंड निकल पे भाई यार सारा पीर जरा है ना बड़े अखलाक आए बड़ी गैरत आए वो सिर्फ नमाज वगैरह करें सिर्फ तस्वीर पढ़ दे इन्हों कमों के अंदर नहीं बढ़ता इन्हों कमों के अंदर नहीं बढ़ता। या सारे जो इमाम मस्जिद है वो सिर्फ नमाज पढ़ दे सिर्फ रोजे रखे ने सिर्फ जनाब चंगे काम करने नेक काम करने वजीफे पढ़ दे इन्हों कमों के अंदर नहीं बढ़ता। और दोस्तों उन लोगों को मैं समझना चाहना मेरे बाबा जी हुजूर अमीर उल मुजाहिदीन ने नबी पाक दी हदीस पाक नु बयान करने में फरमाया आई असाकितो अनिल हक्के शैतानुल अखरस असाकितो अनिल हक्के शैतानुल अखरस। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं अपनी जबान की गल ना पे करना अपने असर अली ख्वाजा शरीफ के बुजुर्गों की जबान की गल ना पे करना किसी मौलवी की जबान की गल ना पे करना। मेरे सुने नबी पाक ने इरशाद फरमाया आई कि जेड़ा बंदा हक को देख के जेड़ा बंदा हक को देख के चुप रहे ने जेड़ा बंदा जेड़ा भावे मौली होवे भावे पीर होवे भावे वजीर है भावे मुरीद है भावे अमीर है जेड़ा बंदा हक को देख के चुप रहे ने मेरे नबी पाक का फरमान है वो कोई आम बंदा नहीं वो पीर नहीं वो मौलवी नहीं वो शैतान है वो शैतान भी नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया वो गूंगा शैतान है गूंगा शैतान। अपनी अखा खोलो इन्हें पीरों के नाल तारा रखने वाले हो अपने दिमाग को तारा रखो अपने अकल के पर्दे खोलो इन्हें लोगों को तुसा पीर ना बनो। खुदा दी तेरी कसम ये मेरी जबान की गल मैं उस सोने आका का फरमान बयान करना पिया जिसे सोने आका दे फरमान से सारी जान भी कुर्बान है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जेड़े लोग जनाब हक को देख के चुप रहे ने ना वो पीर नहीं वो मुरीद नहीं वो अमीर नहीं वो वजीर नहीं वो मौलवी नहीं वो आलिम नहीं वो कौन है वो गूंगा शैतान है गूंगा शैतान कौन है बाबा गूंगा शैतान है वो बाबा गूंगा ये मैं ना पे बोलता खुद सरकार ने फरमाया वो गूंगा शैतान है। और दोस्तों आखिरी गल के लिए आज पूरी कायनात के अंदर नबी पाक दे शान वास्ते और तहफ़ुज़े कुरान वास्ते रैलियां निकालियां गई बड़े पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए गए रैलियां निकालियां गई लेकिन मैं उन लोगों को उन तंजीमों वालों को उन जमात वालों को आज मैं अपने दिल के नाल खलूस के नाल मुहब्बत के नाल अपनी पगड़ी उतार के उन्हें कदमों से रख के ये मिन्नत करके उन्हें को अर्ज करना चाहना वो लोगों वो तंजीम वालों वो जमातों वालों ये जिन्हें तुसा रैलियां कटियां ना आओ अज लबैक के नाल रल वजो लबैक के छड़े तले आ वजो क्यों मैं दिल के नाल रखना पिया तुसा जिहड़ियां रैलियां कटियां ना अपने टुकर पानी वास्ते अपना थोड़ा जिहा नाम बचाउण वास्ते जिहड़ियां रैलियां कटियां ने पाओ ना वो दोस्तों उन्होंने लोगों को भी पता है थोको भी पता है साको भी पता है कि थोड़ी रैलियां का उन्होंने कोई असर नहीं होना। आओ अज आ जाओ लबैक के छड़े ते खलो वजो क्यों क्यों तो को पता है उन काफरों को पता है जिस वक्त ये लबैक कह रहे मैदान से दरा वे कुफर से ईमान लंजा बपा हो मिले और क्या कर दे ये लबैक वाले आके अपना सीना तार के खलो मिले और कुफर की बोलती को बंद कर छोड़े। दोस्तों मैं उन्होंने बरगाह के अंदर बड़े आदम के नाल कोई गुस्से की गल नहीं कोई जलाल की गल नहीं कोई रोब की गल नहीं मैं कोड़ना पे करता मेरे कोई साड़ को नहीं हसद को नहीं मैं उन्होंने मेहनत करता पिया उन्होंने बरगाह के अंदर अपना पटका उतार के उन्होंने कदम
हाथ रख के उनकी मेहनत करना। आओ आज आ जाओ ये लबैक दी झंडे तले आ जाओ, ये लबैक दी झंडे तले आ जाओ। क्यों कि ये लबैक वाले कोई आम बंदे नहीं, इन्हें दिल के अंदर इन्हें सीधे अंदर इश्क मुस्तफा दे भांबड़ बलते पे। इन लोगों को जनाब वो सतावी दिहाड़े जिन्हें सिंध की गर्मी गुजारी है इन लोगों को परवाह नहीं हुई। वो जड़े फैजाबाद थे वो जनाब गोले बरसाए गए शैल फेंके गए इन्हों को परवाह नहीं हुई। आओ तुसा प्रैक्टिकल इन्हों को देख दे। आओ मैं थोड़ी मेहनत करना पे। आओ आ जाओ लबैक दे झंडे तले आ जाओ। खुदा दी दी कसम अमीर मुजाहिदी ने फरमान के मुताबिक थोड़ी जिंदगी भी समझ जाएगी कि आखिरत भी समझ जाएगी। बस वास्ते दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।